कांग्रेस की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है, जिसकी पलटवार में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम का बयान भी सामने आया है। और उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद 5 उपचुनाव हुए हैं, पंच में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, हमारी सरकार की कल्याणकारी योजना चला रही है, आपको बता दें, जिसे जनता समर्थन भी दे रही है और उसी के साथ आधार पर जनता ने भानुप्रतापपुर में कांग्रेस प्रत्याशी को चुना है। अब ये दावा तो बहुत करते थे, दावा तो ये यहाँ भी कर रहे थे, जब यहाँ पे आए थे तो उसमें दावा कर रहे थे कि हम 68 सीट जीतेंगे। अब ये बाजी बिल्कुल पलट गई, कांग्रेस को 68 सीट मिली, भाजपा को बिल्कुल 15 सीट में सिमट गई थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का इतना आपस में सिर्फ फुड़ौल है, रोज़ इनके अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, रोज़ सेल लीडर बदले जा रहे हैं और बदलने की बात हो रही है, तो आपस में इनका जो खींचतान है, आपस में जो इनकी गुटबाजी है, ये परिलक्षित होती है।